यहाँ पर मंदिर के ट्रस्टी भी है दोनों। पांडव कालीन मंदिर है भिवंडी में, रामेश्वर मंदिर जो है पांडव कालीन मंदिर है। गत 60 वर्षों से वहाँ पे अखंड हरिनाम सप्ताह होता है। ये साल का सप्ताह कल से चालू हो गया, आज दूसरा दिन है। तो कल के पहले दिन में रात में 9:45 बजे के समय पे एक चुन्नी सेट करके बाजू का स्लैब पे जाने का रास्ता है, वहाँ चुन्नी सेट के बिल्डिंग के इधर से एक पत्थर आया और कार्यक्रम में आयोजक जो लोग वहाँ पे आए होते श्रोता लोगों को, उसमें से 2 महिलाओं को पत्थर लगा। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं पत्थर की। पत्थर पहाड़ों से निकला हुआ हो या ईंट का टुकड़ा हो, ये दोनों अक्सर हमारे देश में रास्तों पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। जब तक ये रास्तों पर पड़े हैं तब तक तो ठीक है, अगर किसी ने ईंट के टुकड़े या पत्थर को उठाकर कहीं खींच कर मार दिया और गलती से अगर वो मस्जिद निकली या मंदिर निकला तब तनाव बढ़ जाता है, तब लोगों को पत्थर या ईंट के टुकड़े की कीमत समझ में आती है। ईंट और पत्थर की कीमत उन्हें नहीं समझ में आती जिन्होंने कभी दंगा, फसाद, राइट, छोटा सा सेंटेंस है, देखा नहीं है। मैंने भिवंडी शहर में 1984 का फसाद, दंगा, राइट, आप जिस नाम से भी आवाज़ दें, देखा है। मैंने एज ए मीडिया पर्सन 5 जुलाई की घटना भी भिवंडी शहर में अपनी आँखों से देखा है। मैंने देखा है इसलिए उसका दर्द भी जानता हूँ। लोगों की बर्बादी, जलते हुए घर, बर्बाद होती प्रॉपर्टियाँ, बर्बाद होते धार्मिक स्थल और जेलों में जाते इंसान, वो मैंने एज ए मीडिया पर्सन इस तरह के कई मामलों में देखा है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में रहता हूँ। महाराष्ट्र का भिवंडी शहर ये वो शहर है जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के नाम पर हुए दंगे फसाद में लोग मारे जा रहे थे, संपत्तियां जल रही थी, घरों में आग लग रही थी, लोग बर्बाद हो रहे थे, लोग मर रहे थे, तब ये भिवंडी शहर शांत था और भिवंडी शहर से पूरे देश को अमन और शांति का पैगाम दिया गया। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज से 2 दिन पहले भिवंडी शहर के वंजारपट्टी नाका शिवाजी चौक के बीच हाफिज जी बाबा दरगाह पर हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने मिलकर हाफिज जी बाबा का उर्स मनाया था। उस पर भी मैंने वही बात कही थी कि कौन कहता है कि हम हिंदू हैं, कौन कहता है कि हम मुस्लिम हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, एकता हमारी मिसाल बननी चाहिए, ये हमारी सोच है। मगर उसके दूसरे ही दिन भिवंडी शहर के आगरा रोड पर रामेश्वर मंदिर है। रामेश्वर मंदिर के आसपास की पूरी आबादी करीब करीब 98% मुसलमानों की है और ये कितनी बड़ी बात है कि मंदिर के आसपास में मुसलमानों का पूरा एक जमावड़ा, पूरी एक बस्ती मौजूद है। और इसी मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर अखंड हरिनाम सप्ताह का कार्यक्रम अंदर चल रहा था। मंदिर भी खूब बड़ी है, भरपूर जगह है। यहाँ ये कार्यक्रम आज नहीं, करीब करीब 58 से 60 साल से ये मंदिर यहाँ मौजूद है और तब से ये कार्यक्रम यहाँ कम ज़्यादा चलते रहता है। मंदिर हो, मस्जिद हो, सबका अपना अपना अपने अपने धर्म के हिसाब से कार्यक्रम चलता है। इसमें अगर कोई बाधा डालने की कोशिश करता है तो वो गुनहगार नहीं, महागुनहगार है मेरी नज़र में। बहरहाल घटना 3 तारीख की है। 3 तारीख को रात 10 बजे तक रामेश्वर मंदिर के अंदर 2 बार ईंट के टुकड़े फेंके गए जिसमें 2 महिलाओं को चोट भी आई। इस बात को लेकर मंदिर में जो लोग मौजूद थे, मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं, ये सारे लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए कुम्भारवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और कुम्भारवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर भी जब जय श्री राम के नारे लगाए गए तो आसपास यहाँ भी मुस्लिम बस्ती मौजूद है और लोग घरों के बाहर निकल कर आ गए।
बहरहाल जिम्मेदारों ने इस मामले को संभाला, मगर सवाल है कि पिछले 2023 में भी इस तरह की कल्याण रोड पर घटना हुई, जानवर की मुंडी नीचे फेंक दी गई रास्ते पर, या इस तरह की छुटपुट घटनाएं भिवंडी शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और अब ये रामेश्वर मंदिर की घटना। व्यवस्थापकों ने भिवंडी पुलिस को 2 दिन का समय दिया है और कहा है कि जो भी इसके गुनहगार हैं उनको सामने लाया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और होनी चाहिए। जो इंसान अमन शांति चाहता है वो इस तरह की हरकतों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के लिए की गई हो। बहरहाल नवनियुक्त पुलिस उपायुक्त ने जब से भिवंडी शहर का चार्ज लिया है तब से उनके सामने चैलेंज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उनके आते ही संकेत भोसले प्रकरण का मामला खुलकर सामने आया और अब ये मंदिर से पहले शहर में कुछ त्यौहार भी सामने आए। बहरहाल भिवंडी पुलिस के लिए परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं इसके पहले भी हुई हैं और ये धीरे धीरे बढ़ रही हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस को अब आंखें खोलकर काम करने की ज़रूरत है, वरना शहर को संभालना मुश्किल होगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और भिवंडी पुलिस भी जानती है। हालांकि ऐसा नहीं कि पुलिस काम नहीं करती, यहाँ एक बड़ा सवाल है कि भिवंडी शहर की जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ी है और पुलिस की जो संख्या है वो ना के बराबर है, फिर भी शहर को बचाए रखना ज़रूरी है। आप हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, ये शहर आपका है। कहीं ना कहीं भिवंडी पुलिस की मदद लेते हुए इस शहर को संभाल कर रखना है, क्योंकि चुनाव भी सामने है, रमज़ान भी सामने है, ऐसी कोई घटना ना होने पाए। और आइए हम सुनते हैं मंदिर के व्यवस्थापकों में से विक्की भूषण ने क्या कहा और साथ ही उनके सहयोगी उन्होंने क्या कहा। मैं खान फखरे आलम। नहीं नहीं मोहम्मद जान, मोहम्मद पुलिस के इसमें रहने का कस्टडी है। कौन सा न्यूज़ है? आपने भिवंडी से गए? 10 ये बताइए, आज जो रामचंद्र मंदिर के पास जो घटना हुई है, क्या उसका पूरा डिटेल है जरा बताइए। आप बोलो। यहाँ पर मंदिर के ट्रस्टी भी है दोनों, पांडवकालीन मंदिर है भिवंडी में, रामेश्वर मंदिर जो है पांडवकालीन मंदिर है। गत 60 वर्षों से वहाँ पे आकंद हरिनाम सप्ताह होता है। ये साल का सप्ताह कल से चालू हो गया, आज दूसरा दिन है। तो कल के पहले दिन में रात में 10:45 के समय पे एक चुन्नी सेट करके बाजू का स्लैब पे जाने का रास्ता है, वहाँ चुन्नी सेट के बिल्डिंग के इधर से एक पत्थर आया और कार्यक्रम में आयोजक जो लोग वहाँ पे आए होते श्रोता लोगों को, उसमें से 2 महिलाओं को पत्थर लगा। वो घटना पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके अपन ने सब बता दी थी। आज 3 तारीख को वापस वही घटना 9:30 के दरमियान कथा चालू थी और ये सब बाजू के जो मोहल्ला देखा जाएगा तो वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है। वापस ये कार्यक्रम में 9:30 एक पत्थर आया और आज भी एक महिलाओं को लगा पत्थर। ये दोनों दिन की घटना, कल की भी और आज की भी घटना, जो ट्रस्टी है भाई साहब दोनों, रोशन जी और खामकर जी, भूषण जी और खामकर जी दोनों को ये घटना बताई थी। आज सब ट्रस्टी के लोगों ने, वहाँ के स्थानीय जो कार्यक्रम में आए लोगों ने निर्णय लिया कि इस तरह की घटना अपन पुलिस स्टेशन में ये घटना बता के और गुना दाखिल करके उसमें आगे पुलिस को भी छानबीन करने को मार्ग मोकला हो जाएगा उसमें। और दूसरी बात, जो घटना रिकॉर्ड पे आने के बाद, जो इसके पहले भी 1-2 साल पहले ऐसी घटना हुई थी,
लेकिन उसके लिए घटना रिकॉर्ड पे आई नहीं थी। आज ये घटना रिकॉर्ड पे आई है, पुलिस ने भी बोला है कि हम उधर की सीसीटीवी छानबीन कर लेंगे और जो भी कोई अज्ञात व्यक्ति है जिसने किसने देखा नहीं उसको मारते रहें। लेकिन वहाँ पे सीसीटीवी लगी है, वहाँ पे कुछ लोगों को पूछताछ करके आज गुना दाखिल हुआ है तो उसके प्रोसीजर चालू हो जाएगी, छानबीन चालू हो जाएगी। और यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब आए थे, कुंभार साहब, उन्होंने हमको आश्वासन दिया यहाँ के लोगों सब आए लोगों को कि जल्द से जल्द वो आरोपी को हम गिरफ्तार कर लेंगे। सबसे पहले मैं रामेश्वर मंदिर का ट्रस्टी होने के नाते इस घटना की निंदा करता हूँ। और दूसरी बात ऐसा कि जहाँ हमारा मंदिर है, पिछले 58 साल से हमारा मंदिर का सप्ताह चलता है, कभी इसके पहले 2 साल पहले भी एक बार ऐसी वारदात हुई थी, मगर अब की बार जो हुआ है ये एक कल भी हुई है पहले दिन और आज भी दूसरे दिन सेम ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम आज एक्शन नहीं लेंगे तो कल कहीं ना कहीं वापस इसको बढ़ावा मिल जाएगा और कुछ और एक्शन हो सकता है। तो उसके वजह से हमने पुलिस को जानकारी देना बेहतर समझा और उसके ऊपर कुंभार साहब ने हमको आश्वासित किया है कि वो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वो आदमी को ढूंढ के उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाएगा। आप भूषण जी बताइए कि 58 साल से ये चलता आ रहा है, 2 साल को छोड़कर कभी 58 साल में इस तरह की घटना हुई थी कभी? नहीं, इस तरह की पहले कभी घटना नहीं हुई थी, मगर अब की बार धार्मिक प्रोग्राम में, धार्मिक कार्यक्रम में बाधा डालने के हेतु से डाला है या क्या हिसाब से डाला है वो उसका पूरा तहकीकात पुलिस करेगी और हमको योग्य ये मिलेगा, न्याय मिलेगा, हम ये आशा करते हैं पुलिस से। क्या आपको क्या शंका लगती है कि कैसा हुआ होगा? कुछ आपको ऐसा शंका है किसी पर कि किसी ने ऐसा जानबूझ के किया होगा, माहौल को खराब करने के लिए किया होगा, शांति भंग करने के लिए किया होगा, या कोई ऐसा शक जिसको मंदिर भंग, मंदिर से कुछ नाराजगी उसने किया होगा, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा तो देखो, अगर अनजाने में कोई करता है तो एक बार करेगा, दूसरी बार तो नहीं करेगा, तो इसका मतलब यही हुआ कि अनजाने में तो नहीं किया है उसने, जानबूझकर किया हुआ कोशिश है ये। और जिस हिसाब से जो बड़े बड़े पत्थर मिले हैं तो ऐसा तो लगता नहीं है कि वो पत्थर कोई बच्चा फेंका हो, क्योंकि बच्चा पत्थर बहुत बड़े बड़े नहीं, पत्थर बाकायदा वहाँ पे पत्थर है ही नहीं, जो फेंका गया है वो ईंट का टुकड़ा है और उस दीवार के उस तरफ अगर आप जाके देखोगे एक सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे ईंट के टुकड़े आपको पुलिस ने भी देखा है और आप भी तहकीकात करके आप जाके देख सकते हो कि उसके बाजू में वहां पर वो जो ईंट के टुकड़े है वही मारे गए हुए। आप लोगों से क्या संदेश देना चाहोगे, आप जो अमन अमान को शांति को कायम रखने के लिए क्या देना चाहोगे? सब जन मिलजुल के अब तक हमेशा सब जन एक दूसरे के साथ में रहे, इसी कदर आगे कुछ ऐसे चंद पागल लोगों के वजह से ये सब अपने में नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से थोड़ी देर पहले माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था, अब उन तमाम नौजवानों से आप क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, मैं शांति की अपील करूंगा। हमारा भी यही कहना है कि भिवंडी में पूरे देश भर में दंगे हुए थे 92 में, लेकिन भिवंडी में दंगा नहीं हुआ था। और मैं ऐसे भिवंडी के लोगों को मैं अपील करूंगा कि धार्मिक कार्यक्रम में अगर कोई बंदा ऐसा कर जाता है जिसकी जिहादी मानसिकता है, तो उसमें बाकी के समाज के लोगों ने या उनके और कोई समाज के लोगों ने ऐसी कुछ बातों को समर्थन नहीं देना चाहिए और ऐसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए अपनी बातों से। लेकिन अगर धार्मिक, ठीक है, इसका भी धर्म अपने लिए प्यारा होता है, ऐसी कुछ बातें होती है तो उसमें ऐसे बातों को तुरंत बढ़ावा नहीं देना चाहिए, भले कोई हिंदू रहने दो या मुस्लिम रहने दो, उसने ऐसी बातों को अगर गलत बात हुई है, धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है उसने विघ्न डालने का प्रयास किया है, तो उसके समर्थन में लोग नहीं आना चाहिए, ऐसा हमको समझ में आता है। अभी जो वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं वो हर साल कार्यक्रम में कुछ ना कुछ तो विघ्न लाने का काम वहाँ पे चलता है। आज वहाँ के जब कथा सुनने के लिए लोग आते हैं, बच्चे तो रोड पे रहते ही रहते हैं, बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, कोई महिलाएं रहती है, जैसे कि देखा पुलिस स्टेशन के सामने जहाँ पे एसीपी साहब बैठते हैं, वहाँ के पूर्व विभाग के एसीपी साहब बैठते हैं, उसके ठीक सामने दीवार से लगे हुए झोपड़पट्टी वो वहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ है, उसको पिछली बार निकाला गया था,
फिर वापस उन्होंने वही जगह पे लगा दिया है। मतलब कोई उसके ऊपर कोई ना पुलिस का कुछ ये है और ना महानगर पालिका का कुछ आश्वासन है, उससे हटना चाहिए। हाँ हटना चाहिए। देखिए मैं एक और मांग करूंगा पुलिस प्रशासन से, मैं पुलिस प्रशासन से और एक मांग करूंगा, अगर ऐसी घटना वारंवार होती रही और पुलिस ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन अगर नहीं लिया, दो दिन का समय दिया है और दो दिन में कार्रवाई नहीं होती, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसकी आंदोलन में ये जो घटना को आंदोलन करेंगे हम लोग, आगे अगर ऐसी घटना बढ़ते गई तो पुलिस का खुफिया विभाग वहाँ का कार्यक्रम, जैसे कि मिक्स बस्ती में मिश्र बस्ती में जहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू है वहाँ पे ऐसे कार्यक्रम को अगर पुलिस के जो लोग है अगर उसको ध्यान नहीं देते, बंदोबस्त बराबर नहीं देते, तो जो आज घटना हुई, हम समझदार लोग थे, सब ट्रस्टी समझदार थे कि हमने पुलिस को संपर्क किया और वो तुरंत चले आए, और अगर ऐसी घटना होते रही है और फिर कितने दिन समझदारी दिखाएंगे, तो उधर फिर दो हाथ पाए पे उतर जाएंगे लोग। तो मैं प्रशासन को ऐसा चेतावनी देता हूँ कि ऐसे घटनाओं को विशेष ध्यान दे, पुलिस का विभाग सतर्क रहे इसमें, और ऐसी घटना के जो मानसिकता वाले लोग हैं उनके ऊपर ढूंढ के निकाल के उचित कार्रवाई। चलते चलते भिवंडी शहरवासियों से फिर एक बार मेरा मैसेज है, अनुरोध है कि भिवंडी शहर में शांति बनाए रखने में जब तक भिवंडी शहर के लोग मदद नहीं करेंगे, कदम कदम पर पुलिस उनके साथ खड़ी नहीं रह पाएगी। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है भिवंडी शहर की कौमी एकता जैसे पहले बनी थी वो बनी रहेगी। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी, अब आपके अपने भिवंडी में। यहां मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220 प्लस चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ, और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहां मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट अपोजिट शंकर डाइंग अंजुर पाटा, और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।